आपको बताएं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी नए साल को खुश आमदेद कहा गया। स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड की सख्त सर्दी में सयाहों और मकामी लोगों ने आतिशबाजी की और खूब हल्ला गुल्ला किया। तफसील जानते हैं कासिम नसीम की रिपोर्ट। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सयाहों ने नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए स्कर्दू का इंतखाब किया। तलबा और तालिबात समेत सयाहों का इस मौसम में स्कर्दू आने का खास मकसद खून जमा देने वाली इस सर्दी में साल 2017 को खैरबाद कहना और साल 2018 को खुश आमदीद कहना था। उन्होंने स्कर्दू के सेहत अफजा मकाम कचोरा झील किनारे खसूसी तकरीब का अहतमाम किया। बर्फ के ऊपर -11 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी में अलाव रोशन करके उन्होंने यखबस्ता मौसम में नए साल को खुश आमदीद कहा। तमाम स्टूडेंट हैं, मैं हर साल इन लोगों को यहाँ पर लेकर आता हूँ, किस तरह यहाँ लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरह टफ लाइफ यहाँ पे लोग होती है -15 to 20 दिन के अंदर रात में बॉन फायर करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो आप सब भी आइए यहाँ पे एंजॉय करें, स्कर्दू में बहुत ठंड है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके स्कर्दू और यहाँ की ब्यूटी देख के और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं और ये पीछे हमारी झील है, यहाँ पे मैं आके बहुत खुशी हुई और यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत मेहमान नवाज और बहुत खुश उतला लोग यहाँ के। मौसम सरमा में गिलगित बल्तिस्तान में आम दरख्त की सहूलतों को बढ़ाकर यहाँ पर विंटर टूरिज्म को फरोग दिया जा सकता है। कासिम नसीम, PTV न्यूज।